हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का चैप्टर है भारत के संघ राज क्षेत्र, या यूं कहें संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की आवश्यकता हमारे संविधानविद को क्यों पड़ी, यानी यूं कहें कि भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बातें संविधानविदों को क्यों ऐसा लगा कि हमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अगर डेप्थ में जाएं तो पता ये चलता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की रियासतों या भारत के प्रांतीय क्षेत्र, या यूं कहें कि भारत की स्थिति को पूरी तरह से तितर बितर कर दी गई थी, या ये कहें कि भारत की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में संविधानविदों को सबसे पहला जो कार्य सुझा वो ये कि भारत का और उसके संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, उसी के को आगे बढ़ाते हुए जो भारत के संविधान में 22 भाग है, उस 22 भाग में पहला भाग जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेदों का वर्णन है और उस 4 अनुच्छेदों में पूरी तरह से इसे वर्णित कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों में ये बता दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र, भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत की जो भी सीमाएं हैं वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं भारत के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण हैं इस दृष्टिकोण से कि भारत के संविधान में ये वर्णित है, और इस दृष्टिकोण से भी कि हमारे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनना एक तय रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं भारत के संघ राज क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, संघ राज क्षेत्र के अंतर्गत जैसा कि मैं बता दिया हूं 22 भाग में ये पहला भाग है जिसे कहा जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा, इसके अंतर्गत 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद का के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें अच्छा पहले अनुच्छेद में यह है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत या संघ राज क्षेत्र के अंतर्गत 1(1) के अंतर्गत वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया किसके नाम से जाना जाएगा, राज्यों के संघ के नाम से जाना जाएगा, यानी कि भारत अर्थात इंडिया संघ के नाम से जाना जाएगा। अच्छा फ्रेंड, संघ के नाम पे ये जो जाना जाएगा, ये सेंटेंस जो लाया गया राज्यों का संघ होगा। अच्छा, राज्यों का संघ के अंतर्गत हम देख अगर संविधान विदों द्वारा जो वर्णित किया गया है, संविधान का निर्माण जो किया गया है, वो संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, जब संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत निर्माण किया गया है तो फिर इसके अंतर्गत ये यूनियन सेंटेंस क्यों लाया गया, यानी कि यहाँ पे संविधान की जो संरचना है संघात्मक है। उसके बाद परंतु अगर देखा जाए कि प्रारूप समिति द्वारा इसे इसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, वो क्यों किया गया है, प्रश्न ये उठता है कि वो क्यों किया गया है। तो यूनियन शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसके पीछे 2 वजह है। यूनियन शब्द के प्रयोग के अंतर्गत 2 बातें ये स्पष्ट होकर आती है कि भारत किसी अनुबंध द्वारा, यानी भारत और उसके राज्यों के बीच का कोई अनुबंध नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इसका निर्माण नहीं हुआ है, यानी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट का पूरी तरह से अभाव है। भारत के संविधान के निर्माण में जो संघ राज क्षेत्र है उसमें यूनियन शब्द लाने का सिर्फ एक रीजन है, वो ये कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक दूसरा रीजन है वो ये कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि भारत का कोई भी राज्य अपने संघ से अलग नहीं हो सकता है, ये इसे अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपका आर्टिकल 1(a) के बारे में वर्णन था। आगे बताते हैं कि आर्टिकल 1(b) के अंतर्गत क्या है। आर्टिकल 1(b) के अंतर्गत या 1(b) के अंतर्गत इसका संबंध राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से है, जो पहली अनुसूची में इसे निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र
से है जो पहली अनुसूची में इसे निर्दिष्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, जो एक सी है या वन सी है, वन सी के तहत ये बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल हैं, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में वो कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, वो इस प्रकार है। पहला है इसके अंतर्गत राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि राज्यों के राज्य क्षेत्र जो राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्र किस प्रकार के होंगे। दूसरा है संघ के राज्य क्षेत्र, यानी संघ के जो राज्य हैं उनके जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं। और तीसरा है अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंड्स ये है कि किसी विदेशी से किसी की टेरिटरी को ले लेना, अर्जित कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ले लेना, ये अर्जित राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा अनुच्छेद एक के बारे में पूरी तरह से वर्णन। अनुच्छेद एक के अंतर्गत ए बी और सी ये तीनों के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अनुच्छेद दो क्या है, यानी आर्टिकल टू। आर्टिकल टू के अंतर्गत दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल टू है उसमें दिया गया है कि जो नए राज्य हैं और उनकी स्थापना, उनके कैसे प्रवेश किया जाएगा, वो इसके अंतर्गत वर्णित है। और फ्रेंड्स अब आके देखते हैं, जैसे इसमें है विदेशी राज्य से प्राप्त कोई भी क्षेत्र है, जैसा कि मैं वर्णित अर्जित के अंतर्गत बताया था। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं तीसरा आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल थर्ड के अंतर्गत एक सेंटेंस याद रहे, जहां पे ये प्रवेश और स्थापना है वहीं पे निर्माण की बात की जाती है आर्टिकल थर्ड में। फ्रेंड आर्टिकल टू और आर्टिकल थर्ड इन दोनों को याद करने के लिए सिर्फ प्रवेश स्थापना टू के अंतर्गत रख लीजिए और निर्माण की बातें जो है थ्री के अंतर्गत रख लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए इन तीन के आर्टिकल थर्ड के अंतर्गत वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से निर्माण होता है। तो पहला है बड़े राज्यों को तोड़कर नए राज्यों का निर्माण करना। जैसे आप बड़े राज्य हैं, आप समय समय पर देख ही रहे हैं कि जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आपके सामने सब देखेंगे, उत्तराखंड वगैरह जो देखे हैं, उधर तेलंगाना वगैरह देखे हैं, तो ये सारे बड़े जो राज्य हैं उन्हें तोड़कर नए राज्यों का निर्माण किया गया है। दूसरा दो या दो से अधिक राज्यों को, जैसे दो और दो से अधिक राज्यों को जोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर देना, ये है। और तीसरा इसके अंतर्गत है नाम और सीमा परिवर्तन, यानी कि आर्टिकल थर्ड के अंतर्गत ये तीन बातें हैं, बड़े राज्यों को तोड़कर नया राज्य बनाना, दो या दो राज्यों से जोड़कर, दो या दो से अधिक राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना, और तीसरा है नाम और सीमा में परिवर्तन। अगर पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नामों में और सीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो सीधी सी बात है कि अनुच्छेद तीन के अंतर्गत आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा है आपका आर्टिकल थर्ड। अब आगे बताते हैं कि जो रियासतों का एकीकरण था, मैं चार आर्टिकल फोर को मैं बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसे दो भाग में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए आप लोगों के लिए मात्र चार अनुच्छेद है, लेकिन मेरे लिए बड़ा है क्योंकि इसे मैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रूप से बताऊंगा। तो आप देखिए सबसे पहले कि रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, जो रियासत थे भारतीय रियासत उनका एकीकरण क्या हुआ। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अब तक आप सिर्फ यही पढ़ते होंगे कि 542 रियासतें थी, नहीं, रियासतें थी 600 रियासतें थी, यानी 600 रियासतें थी जिसमें 542 रियासतें भारतीय थी, भारतीय 542 रियासतें थी। 600 रियासतों में 542 जो रियासतें थी वो भारतीय थी, बाकी जो 58 रियासतें थी वो थी पाकिस्तान की गई हुई, पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई। तो इसमें जो है 58 जो रियासतें थी ये कहां चली गई, पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई। तो फ्रेंड्स कुल रियासतें 542 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो 542 रियासतों के अंतर्गत 339 जो रियासतें थी भारतीय
जो भारत में स्वेच्छा से सम्मिलित हो गए, यानी कि भारत में बिना किसी दबाव के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी समझौते के ये पूरी तरह से जो है अपने आप को भारत में सम्मिलित कर लिए। परंतु तीन ऐसी रियासतें थीं जो भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया गया। तो वो तीन रियासतें कौन कौन सी थीं? तो उसमें थे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीन रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए तीन प्रक्रिया के माध्यम से इसे सम्मिलित किया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। लौह पुरुष, उसी समय इनको लौह पुरुष का वास्तव में रूप देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर को किस प्रकार भारत में सम्मिलित किया गया? तो वो था सैन्य हस्तक्षेप से। अब सैन्य हस्तक्षेप कैसे हुआ? जब पाकिस्तान कबीलाई जो है जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किए रातों रात, उस समय वहां के राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने इंडिया को एक विलय पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर करके ये कहे कि हमें हमारी कश्मीर को बचाया जाए, यानी कि सैन्य हस्तक्षेप इंडिया द्वारा किया गया, कबीलाइयों से बचाया गया कश्मीर को, उसके बाद ही भारत में इसे सम्मिलित कर लिया गया। फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर का मसला था। जूनागढ़ में, जूनागढ़ का कंडीशन ये था कि वहां पे जनमत संग्रह करा दिया गया। जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ वाले भारत में सम्मिलित हो गए। तो ये जूनागढ़ का मसला हुआ। हैदराबाद का कंडीशन कुछ ज्यादा ही अपने आप में, हैदराबाद के जो नवाब थे कुछ ज्यादा ही नवाबी कर रहे थे, तो पुलिस कार्रवाई करा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस कार्रवाई किए, और उस पुलिस कार्रवाई के बाद ही हैदराबाद को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम बार बार पूछता है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारतीय रियासत में शामिल किया गया, वो भी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भारतीय रियासतों को भारत में सम्मिलित किया गया, उन किन किन परिस्थितियों में, किन किन माध्यमों से किया गया, वो आपके सामने अभी वर्णित था। फ्रेंड्स, कुछ नोट करने वाली पॉइंट है, वो ये है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को एक सहायक राज्य, यानी सहायक का मतलब कि एसोसिएट राज्य के रूप में शामिल किया गया था। कब? 74 में। ये पूछता है एसोसिएट राज्य के रूप में, सहायक राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया था, परंतु उसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे क्या किया गया कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें जिसका डेट ये है कि वो है 16 मई 1975 को। यानी फ्रेंड्स, 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब तक मैं जो बताया हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं तीन अनुच्छेद आप लोगों के सामने वर्णित किया हूँ, चार अनुच्छेद, और उसके बाद भी इस संविधान भाग एक के अंतर्गत वो क्या क्या चीजें अभी हैं इम्पोर्टेंट, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वो क्या क्या चीजें, कौन कौन राज्य कैसे कैसे सम्मिलित हुआ, किस किस किन किन परिस्थितियों में मिले हैं, उन सारा को मैं डिस्क्राइब करूंगा अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है जो अब तक का जो वीडियो बना हुआ है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा, जरूर सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए काफी सहायक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को प्रभावित किया हो, लगे कि अच्छा है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं, मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं और इसे इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कीजिएगा, ताकि सबका भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।